फाजिल्का जिले के गांव सुखेरा बोदला में एक महिला को पहले प्यार का झांसा देकर शादी करने के बाद में युवक द्वारा अपने भाइयों से पत्नी का दुष्कर्म करवाने का मामला सामने आया है। उक्त युवती ने फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर अपना मेडिकल करवाने पहुंची। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका गांव सुखेरा बोदला के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उक्त युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने जलालाबाद सदर थाना पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत का जैसे ही उक्त युवक को पता चला तो उसने अपने आप को फंसता देख उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। इतने में लड़की के माता पिता ने भी लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ तय कर दी। तब पीड़ित महिला और उसके प्रेमी ने घर से भागने का फैसला कर लिया और वह शादी से 3 दिन पहले घर से भाग गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि उसके पति ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए उससे शादी की और इसके बाद उसने अपने भाइयों के साथ उसका दुष्कर्म करवाया। एक दिन वह जान बचाकर उक्त लोगों के चुंगल से निकल आई और फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंची। बता दें कि शादी से 3 दिन पहले भागने के कारण लड़की के माता पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया। अब लड़की की सार लेने वाला कोई नहीं है। वहीं पीड़ित युवती ने मीडिया के जरिए उसके पति व अन्य दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। फाजिल्का से दिलीप दत्त, आजाद टीवी न्यूज। जी कोर्ट में अर्ज कराई सी जी, उन्होंने जी रमेश जी सुरजीत जी सुरजीत घर जा जी सरमे ने जी मेरे ना गलत काम जी तिना ने किए ने जी, पहले रमेश ने जी फिर सुरजीत ने जी फिर सरमे ने जी, मैं वो तो भाजे आई जी, फिर मैं सीधा जी इत दरखास्त लाई जी, मैं उन्हें मेडिकल करवा के जी इन्होंने परचे कराना चाहनी हाँ जी, फिर जी मुझे ने जी जी तिना ने मेरा जी गलत काम किए पिंड जी फाजिल्का जी नेड़े रहने वाले।